हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे इस नई रेसिपी में। तो आज हम बना रहे हैं फ़िश करी, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में है, जिसे बनाना काफ़ी सिंपल और मज़ेदार है। तो चलिए फिर आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए हमने रोहू फ़िश लिया है, जो लगभग 1 केजी के आसपास है, जो 5 से 6 लोगों के लिए इनफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने हल्दी लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, नींबू का रस 1/2, सॉल्ट 1/2 चम्मच, अब इसे अच्छे से मिला लेना है। और ध्यान रहे, हर एक पीसेस के ऊपर अच्छी तरीके से मैरिनेट लग जाना चाहिए। इस तरीके से देखिए, जितने भी पीसेस है सब पे बराबर से मैरिनेट लग गया है। तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। बाय द टाइम हम अपना चॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसे बारीक चॉप कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी उसी तरीके से चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉप करने के इतना टाइम नहीं है तो आप इसे मिक्सर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने लिया 1 चम्मच ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, दगड़ फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, खसखस, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और पीला सरसों। पीला सरसों बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें डालेंगे खड़ा धनिया। अब हमें मसाले को रोस्ट करना है हल्का, तो लो फ्लेम पे 30 सेकेंड के लिए रोस्ट करना है। इसे ज़्यादा टाइम तक ना पकाएं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे आपके। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें डालेंगे लहसुन और इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे पानी ऐड करके। ये स्टेप होने के बाद हम फिश को करेंगे फ्राई। फ़िश को हमें करना है शैलो फ्राई, लाइट ब्राउन कलर या गोल्डन ब्राउन कलर। तो तेल लिया हमने पैन में और उसे अच्छे से हीट करना है। हीट होने के बाद उसमें हम फिश डालेंगे एक एक पीस करके इस तरीके से। तो गैस को हमें ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है और लो फ्लेम भी नहीं करना है, गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है। तो हमें फ़िश को दोनों तरफ से गोल्डन कलर करना है। तो एक तरफ हो जाए तो हमें दूसरी तरफ उसे पलटी कर देना है, ताकि दोनों तरफ से बराबर से कुक हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, गोल्डन कलर। फ़िश काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो रेस्ट बचे हुए अपने पीसेस उसे अच्छे से सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हम फाइनल प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो हमने लिया एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल, चॉप प्याज और इसे अच्छे से लाइट ब्राउन कलर करना है। देखिए हमारा लाइट ब्राउन कलर हो गया है प्याज। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने मिक्सचर मसाले का, जो हमने पेस्ट बनाया था
और उसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हमें मसाले को पकाना है। उसके बाद ऐड करेंगे चॉप टमाटो और फिर से इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि मसाले नीचे चिपके नहीं। और अगर इन केस अगर मसाला नीचे चिपक जाता है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें ग्रेवी के हिसाब से डालना है। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालें और पतला ग्रेवी चाहिए तो पानी ज़्यादा ऐड करें। मैंने यहाँ पे लगभग मीडियम साइज़ का ग्लास के हिसाब से 2 ग्लास पानी डाला है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट 2 चम्मच और इसे वेट करना है फर्स्ट बॉईल के लिए। तो हमारा फर्स्ट बॉईल आ चुका है। फर्स्ट बॉईल आते ही इसमें फिश डाल देना है जो हमने फ्राई किया था इस तरीके से, और इसे हल्का सा मिक्स करना है केयरफुली ताकि जो पीसेस है वो टूटे नहीं फिश के। इस तरीके से लाइटली हल्का हल्का आपको स्टर करना है। फिर जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होता है इसको आप कवर कर दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद ढक्कन निकालें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, वाह। फिश हमारा पक चुका है। अब इसे हम करेंगे सर्व। फिश के साथ आप राइस या रोटी सर्व कर सकते हैं। अब इसे कर देते हैं गार्निश। देखिए हमारा डिश कितना बढ़िया बना है, वाह। देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो और टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, और जो रिज़ल्ट निकल के आता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कोई दूसरा रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूँगा उसे बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।